करोड़ों लोग मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी। लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं, उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा, इसीलिए हमें लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर है। देखिए, आपने क्या मांगा इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। वाह, आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक FD, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं, और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहां किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता, पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया TV का ये हाउस हमारे नाम करें कोई दिक्कत, और लेते भी हैं, लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है, लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते, हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है, कोई चढ़ा जाता है। हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। ज्यादा बातें इसलिए होती हैं क्योंकि आप जो स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। ये जो मॉडर्न युवान भाई बहन है, इनको लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि ये घिसी पिटी बातें इनके दादा परदादा बताते रहे, ये बेचारे ऊब गए। इनको कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से ये कनेक्ट हो पाए। जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे, लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर रावण बैठा है, कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो गलत कृत्य देख रहा, गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, वो रावण की दृष्टि का आदमी। तो हनुमान जी लंका गए, इसको इन युवानों को कैसे जोड़े, इन्हें तो बीजा पाठपोष फॉरेनर ये शब्द पता है, तो इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारा अध्यात्म इतना विशाल और इतना अथाह है कि उसमें कुछ भी आप डाल दो वो स्वीकार। आप सोच रहे कि आपको अध्यात्म पता है, इनको नहीं पता, इस देश की जनता को आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है? ऐसा हमने नहीं कहा। हाँ। हमें अपने हिसाब का पता है, उन्हें अपने हिसाब का, वो अपने में श्रेष्ठ हैं, हम अपने में अब जो कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, और ये आरोप हमें नहीं लगता कि ठीक है। आपका ये कहना कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, ये मजाक की बातें नहीं है? लोगों की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत गहरा विषय है। मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूलत देखी तिन तैसी। भगवान को, भगवान की कोई लीला को सिर्फ रास लीला को उठाते हैं, लेकिन हम तो महाभारत भी उठाते हैं, तो अपनी अपनी दृष्टि है। हम ये मजाक में नहीं कहते, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं से जो हमारे इष्ट की परंपरा की जो निशानी है वो अगर नजदीक रहे, गुरु की निशानी अगर नजदीक रहे, माता पिता की बातों की निशानी नजदीक रहे, तो बेटा कभी गलती नहीं करेगा, वो चार चांद लगाता रहेगा। शास्त्री जी, इसको कहते हैं आप अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारा भाव नहीं, अपितु हमारा भाव ये है कि उस केवल वाईफाई को हम बताते नहीं, उसकी महिमा भी बताते हैं।
और दरबार में आने वाले लोगों को उसकी महिमा का अनुभव भी कराते हैं। तो फिर वो जो बात मजाक की है ना, वो फिर अध्यात्म आस्था ईश्वर से जुड़ करके नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। देखिए, आपको भोले भाले लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये मैं मजाक में कह रहा हूं, विनोदम कहते हैं, और ये मैं असल में बहुत बार बोलते हैं विनोदम कर रहे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं। अब कोई हमारे विनोद को सीरियस ले ले तो वो उसका निजी अनुभव है। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे, लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। इसी तरह की बातें कह के ऐसे दिखाते हैं जैसे चमत्कार कर दिया, जैसे मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई, मैं भविष्यवक्ता हूं, और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी हैं। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम एक आम इंसान है। लेकिन हमारी अपने इष्ट की प्रति आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है। जो महर्षि वाल्मीकि से पत्र दरबार की महिमा चली है, उस महिमा का हम अनुकरण करते हैं, और उस आस्था में उलझनों में का रास्ता मिल जाता है, तो उसे आप चाहे चमत्कार मानिए अथवा फिर आप अपनी बुद्धि से जो जिसने जो जाना वो हमें माना। देखिए शास्त्री जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बीमारियों से थके हारे हैं, डॉक्टर से आशा छूट जाती है, हॉस्पिटल से आशा छूट जाती है, वो आपके पास आते हैं, वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा। किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी का बच्चा चल नहीं सकता, वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेके जो मैंने जानकारी हासिल की, वो आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा, और उन्हें मिल जाता है। जो आते हैं श्रद्धापूर्वक आते हैं। देखो, जिंदगी में अगर वो परेशान है और डॉक्टर से परेशान होकर के या कहीं से भी निराश होकर के आया और उसे कुछ मिले ना मिले, हम ये तो नहीं कहते, जिसकी जितनी निष्ठा उसको उतना हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलता। और अगर नहीं मिलता, अगर उसे जीवन जीने की अगर डांडस और सातावना मिलती है, तो क्या ये भी कम है? बिना पैसों में, बिना दक्षिणा दिए, बिना कुछ लगे अगर हनुमान जी से जुड़ रहा, अगर वो प्रभु से जुड़ रहा, अगर उसे जीवन जीने में 4 दिन की जिंदगी है, डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओगे, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मेरा हारे का सहारा है, तो अगर ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती, इससे किसी को गुस्ताखी क्यों? देखिए, अगर बागेश्वर धाम आने से लू का इलाज हो जाता है, तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत? यही तो हम बताना चाहते हैं कि दुआ और दवा दोनों आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं। अब मैंने पूछ लिया तो आपने दवा ऐड कर दिया उसमें? नहीं, हमने औषधालय बागेश्वर धाम पर खुलवाया है और मंदिर के समीप खुलवाया है, वहां पर ग्राम पंचायत का भवन है, वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय है। दुआ और दवा मतलब नीचे दवा है और वहां ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए चढ़ जाओ मंदिर पर, दोनों काम करो, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने ऐड नहीं की, डॉक्टर खुद ऐड करता है, ऑपरेशन करता है, जब ठीक नहीं होता तो वो भी कहता है तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन ये सही है कि जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह पर्ची निकालते हैं, जो इसी तरह दुआ की बात करते हैं। पूरे भारत में ऋषि परंपरा के अनेक लोग हैं, बहुत लोग तो नहीं कह सकते, पर अनेक लोग पूरे भारत में हैं। और केवल हमारे इलाके में नहीं, पूरे भारत में। हमारे इलाके में बागेश्वर बालाजी की महिमा और दादा गुरुजी के पास दरबार से, कृपा से, बहुत से महापुरुष और भी। मैं बताता हूं, एक लवलेश नाम के गुरुजी हैं, 20 साल की उम्र है, और वो भी इसी तरह से पर्ची निकालते हैं, हम भी इसी तरह से। हम कभी ऐसे मिले नहीं, इस भाव से हमारा कभी मिलना नहीं हुआ, और इस विषय पर उनका निज मत हो हम कह नहीं सकते, ईश्वर जाने। नहीं, मत तो पता नहीं, उनके ऊपर रेप का इल्जाम है और वो जेल में है, कह नहीं सकते। तो उस एरिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी हम अर्जी लगाने के हिसाब से घूमे नहीं हैं। आप कहो तो इस बार जाकर के घूमेंगे कितने लोग हैं। अभी तो हमें एक पता है, छतरपुर जिले में एक गढ़ा गांव है, वहां बागेश्वर धाम है, वहां सदगुरु सन्यासी बाबा से परंपरा चली दरबार की, आप भी आइए। ये बात सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास सिद्धि है। एक जयपुर में है, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है, और वो भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है,
ना हमने ऐसी कोई साधना कर रखी है। हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर हनुमान जी पर भरोसा है जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। ना हम कोई डेट बताते हैं, ना हम कोई नाम बताते हैं, और अगर उनकी कृपा से पता चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जनता से जो सवाल पूछना चाहते हैं, आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि दाढ़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी, लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है आपकी दुनिया ही रंगीन है, तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब सात रंगों की भरी दुनिया है माई डियर सिस्टर, सात रंगों से भरी दुनिया है, तो मुझे क्या दिक्कत है। और हम कोई साधु नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, ना हमने चोला ले रखा है, हम एक वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम एक गुरु के शिष्य हैं और आम इंसान हैं। और अगर कोई सरनेम पूछे तो हम शुक्लवंशीय सरयूपारी ब्राह्मण है, तो जो सात ब्राह्मणों की वेशभूषा है वो हमने धारण की, गुरु के नाते हमने ये पादुका अपनी एक परंपरा को निर्वाहन करने के लिए धारण की। और टोपी कोई आया तो दे गया, अगर आप कुछ दो बहन हमें तो वो भी स्वीकार है। आप चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हो, हम पहन लेंगे। एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दियो पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते आज हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। हम तो राह चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहन लेते, अपना दे देते हैं। हम तो साधु उस परंपरा के हैं, उस परंपरा के। लेकिन अच्छे लगते हैं आपको ये रंग बिरंगे कपड़े? बहुत आनंद आता है, क्या दिक्कत है साहब। किसी को दिक्कत है, बहुत से ज्यादा रंगीन पहने। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आपका लहजा बता रहा है आपकी दौलत ये शोहरत नहीं रही रही। लोगों को लगता है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में न हमें धन प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है। और हमने जब से जन्म लिया तब से हम धनवान है, क्योंकि हमारे हनुमान है। और दुनिया का प्रत्येक हनुमान भक्त धनवान है जिसके जीवन में हनुमान है। अब वो निर्धन है इस दुनिया में जिसके जीवन में भगवान नहीं, वो निर्धन है। और अगर बाप हनुमान हो और धनवान हनुमान हो, और उनका भक्त अगर रंगीन ना हो, पीला लाल ना हो, जब हनुमान जी लाल देह लाली से हो सकता तो लाल पगड़ी क्यों नहीं हो सकती। ये मुझे पता चल गया है कि आप इसी तरह की डायलॉग बाजी करके ही इतने पॉपुलर हुए हैं। जी कुछ लोग आपको पीठाधीश्वर मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, लोग महाराज कहते हैं, बड़ा आदर करते हैं, कोई संत कहता है, लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस गरिमा के अनुकूल नहीं लगती कहीं। जैसे जैसे आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती, ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण समाज पर कॉमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख ठठेरी के बरे नकट्टा, तो ये ठठेरी क्या होता? कोई हम जातिवादी नहीं है, पहली बात तो हम ये क्लियर करें। ये ठठेरी क्या होता है? ये हमारे बुंदेलखंड का एक भावनात्मक शब्द है ठठरी। जब माताएं बड़ी आवेश में होती है और बालक कोई गलती कर देता है तो माताएं अपनी बालक को कहती हैं अरे ठठरी के बरे सुधर जा नकट्टा। तो हम बहुत गांव के भोले भाले अनपढ़ गवार आदमी है, अंगूठा छाप है, ठीक से पढ़ाई की नहीं, तो गवार आदमी है। तो जो माँ की हमारी जो परंपरा है, जो पारिवारिक बोलचाल है, उस पारिवारिक बोलचाल में अगर कोई साधु के ऊपर टिप्पणी उठाएगा, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाएगा या भगवान पर टिप्पणी उठाएगा, तो स्वभावश सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है और सठे साठ्यम समाचरित। ये भी कौन सी गलत बात है? अगर कोई भगवान को गाली बके और हम उसको श्रीमान जी कहें, रहे स्वामी जी कहें, भगवान कहें, तो हमें तो नहीं लगता कि वो बिनय न मानत जलद जड़ गए तीन दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्रीत। देखिए आप अपने आप को बड़े पढ़ा लिखा गवार कह करके तो नहीं छुप सकते उसके पीछे। आपने उनसे कहा कि तू मुझे मिल जा मैं तुझे मसल दूंगा। बहुत अच्छा, हाँ ये हमने कहा, ये क्योंकि उन्होंने कथा वाचकों को पाखंडी कहा था।
जिस विषय पर आपने ये टिप्पण किया है, उन्होंने कथावाचक, हमने कहा कथावाचक हो सकते पाखंडी, पर पर्टिकुलर नाम लीजिए, सब नहीं हो सकते। इस भारत में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी है, मुरारी बापू भी कथाव्यास है, पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर भी कथाव्यास है, उनमें एक दास भी है। ये महापुरुषों पर आज तक कोई इल्जाम नहीं है, और इन महापुरुषों पर इल्जाम नहीं है तो सब कथा था। भाई एक पत्रकार गलत हो सकता, सब नहीं हो सकते। हम अगर सबको कहें कि सब पत्रकार ऐसे होते हैं तो ये हमारी धूर्तता होगी। तो उसने सब कथावाचकों को ऐसा कहा था, तब हमने उसको कहा था कि भाई अगर तुम ऐसा कहो तो महापुरुषों के बारे में तो किसी को नहीं कहना चाहिए, तो बात ठीक है, तय है। रामचरितमानस के बारे में नहीं कहना चाहिए, तो तय है। तो उसके लिए अगर ऐसा मसला कह दिया समझाने के लिए, वो है तो हमारा चेला। लेकिन आपने संत तुकाराम के बारे में क्या कहा? संत तुकाराम को आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से, तो किसी ने उनसे पूछा तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? इसमें बोल चाल की भाषा में थोड़ा सा वो हुआ। हमने एक कथा पढ़ी थी एक पुस्तक में, उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी झगड़ालू बड़ी ईर्ष्यालु थी, बड़ी विचित्र थी, और वो संत तुकाराम जी को एक बार गन्ने के लिए भेजती, गन्ना वो एक लेकर शाम को आते तो वो उनके शरीर पर प्रहार कर देती, एक गन्ने के दो टुकड़े हो जाते। पर तुकाराम बहुत अद्भुत महापुरुष थे, उन्होंने कहा देख तू कितनी ज्ञानवान है, पहले गन्ना एक था हम लोग दो थे, तूने मेरे शरीर पर प्रहार करके गन्ने के दो टुकड़े कर दिया, अब एक तू चूस एक मैं लू। तो लेकिन आपने जो बोल चाल उसमें बिगड़ा इस अंदाज में कहा था वो सम्मानजनक नहीं था, समाज के लिए असभ्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम अपनी भाषा से समझने का कोशिश करते हैं, जो कई बार हमारी भाषा लोगों के अनुरूप फिट नहीं है। कभी नहीं, आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, इसके लिए हमें गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो संतों के प्रति हमारे हृदय में अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम। और हम स्वप्न में भी, हम तो खुद साधु परंपरा से जीवित हुए हैं, नालायक से बोलने लायक संतों के कारण हुए, और हम अगर संतों का अनादर करेंगे तो अपनी जिंदगी में हम रहेंगे कहां? तो हम तो विनम्रता पूर्वक अगर किसी को ठेस पहुंचा तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंचा और शब्द ऐसा मुंह से फिसल गया तो हम क्षमा प्रार्थी, कोई संदेह। अब मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं, अच्छा किया कि आपने क्षमा प्रार्थना की, करना ही चाहिए साधु संतों के बारे में, अगर गलती से मुंह से कुछ निकल जाए, बहक करके अगर हो जाता तो कोई दिक्कत। आप बात कर रहे थे साईं बाबा के बारे में, और आपने कहा कि हमने सुना वो चांद मियां निकले। हाँ सुना। आपने कहा कि कई बार लगता है कि 33 कोटि क्या कम पड़ गए, और समझदार के लिए इशारा काफी है जी। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, करोड़ों की श्रद्धा उनमें है, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा? बात ये थी, प्रश्न ये था, क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान? हमने कहा हम तो उस वक्त थे नहीं भाई साहब, अगर होते तो देखते टोपी पहनते थे कि माला। तो हमने जो सुना है, कोर्ट ने कहा, ऐसा एक पत्रकार में पत्र वार्ता में निकला है कि वो चांदमिया है, उन्होंने उनके जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने क्षमा मांगी, तो हमने यही बात उनको बता दी, बस प्रेस की बात बता दी। तो हमसे ज्यादा ये आरोप जिस पत्रकार ने ये छापा है उस पर उठना चाहिए नहीं, लेकिन आपके कहने से लोगों की भावनाएं आहत हुई। हमारा किसी भी संत के प्रति अनादर नहीं, सब धर्मों के प्रति सम्मान है, जो जिस धर्म को मान रहा बलपूर्वक उसको मानना चाहिए, हम सिर्फ अपने धर्म के कट्टर हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं। तो साईं बाबा का सम्मान करते हैं आप? बेझिझक, संत के नाते, संत के नाते बेझिझक। हमें उस बाबा साईं बाबा से क्या आपत्ति है, क्या विपत्ति है? हमें अपने आप से आपत्ति नहीं है, हम किसी साधु से कैसे आपत्ति हो सकती? क्योंकि जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं वो वसुदेव कुटुंबकम से पहले तो संयम, धैर्य, भाषा पर नियंत्रण, ये सब। लेकिन कब तक धैर्य, कब तक संयम? राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य संयम रखें? एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था, और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। हम कब तक धैर्य, ये भोले भाले लोग, ये भोले भाले सनातनी कब तक ये धैर्य सहेंगे? और एक बात हम आपकी अदालत में बोल देते हैं, सनातन के लिए अगर हमारे प्राण जाते हो और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो ये हमें बने रहने दीजिए।
देखिए सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बातें कहें, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी जो आप इतनी जोर जोर से कह रहे थे कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें, तो कौन आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? जो ये प्रतियां जला रहे हैं, जो संतों को मार रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो संतों के खिलाफ और सनातन की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए मूवी बना रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों को अनाप शनाप बातें करने का अधिकार दे दिया सरकार ने। उनको लगता है कि इस तरह की बातें करते हैं उससे समाज में नफरत पैदा होती है, दीवारें खड़ी होती हैं। हम करें तो चोरी, वो करें तो सीना जोरी। उनके मंचों से मारने काटने की बात होती तब नहीं, अक्षरधाम में 40 हिंदुओं को मारा जाता तब नहीं है, उनके खुले मंच पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तब कुछ नहीं होता है। उनके खुले मंच पर संतों को, कितने संतों की हम आपको वीडियो क्लिप ना दिखा दें, उनके खिलाफ टिप्पणी की, गाली बकी गई, यहां तक कि हमको भी रोज 500 गालियां आज दी जा रही, तो क्या यह सही है? शास्त्री जी, हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं, जो दूसरे धर्मों की भावनाओं को, हमें नहीं लगता कि हिंदू समाज धमकियां देता है। जवाब दे, समाज नहीं, हिंदू समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग अगर इसी तरह का भाषा का, सबका तो नहीं कह सकते, पर हम प्रतिउत्तर, जो लोग ऐसे लोग हैं उनके लिए भी आपको उसी सख्ती से बोलना चाहिए। हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं है, हम सनातन धर्म के कट्टर हैं, और सनातन का विरोध हमें मुसलमानों से डर नहीं है, ना पादरियों से, ईसाइयों से, अपने में भी रहने वाले कुछ जयचंदों से भी डर है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी बोलते हैं। और ये जो मसलने वाला विषय है, ये मसलने वाला विषय जो हमने बोला है वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बोला, एक हिंदू व्यक्ति के लिए ही बोला जब उसने संतों पर उंगली उठाई थी, और बोलना हमारा, हमें मौलिक अधिकार है, हम भी भारतीय नागरिक हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी है। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले तो उसकी रंगों में राम और कृष्ण का ही ब्लड बह रहा है। तो हम मानवता के पुजारी हैं, हम मानवता के पुजारी हैं, जातियों के या पंथ के पुजारी नहीं। हम क्या मिलने लगे जी, आपको भी लोग कह रहे कि जान को खतरा है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, इस भारत में जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है तो उसको मिटाने के लिए और उसको डिगाने के लिए तरह तरह के स्वांग और षड्यंत्र, तरह तरह के प्रायोजित ढंग से उसको फंसाने के उपाय किए गए हैं, लेकिन सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और रही बात धमकी की, तो साधु परंपरा में या हम अपनी गुरु परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपके लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आपके समर्थकों ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया, उसका वीडियो मैंने देखा है, और जो लोग बागेश्वर धाम के नाम पर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे थे अब चाकू छोड़ो, तलवारें रखो, अब इन लोगों को गोली मारो, और ये लोग बहुत ही हिंसक भाषा के इस्तेमाल, ये बिल्कुल भी कतई हमें पसंद नहीं है, और इसकी छूट हमने कदापि किसी को नहीं दी, क्योंकि हम स्वयं ये कहते हैं कि जिंदगी में याद रखना सनातन धर्म वो धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है, और हम हिंसा के पक्षधर नहीं है, क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करे। लेकिन आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, वो आपके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि अरे तुम सब कब मारोगे, जब सब मर जाओगे, ईसाइयों को मुसलमानों को कब मारोगे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी, और हमारी तरफ से कोई लोग नहीं गए, लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी, आप चाहे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो देख लीजिए। बिल्कुल, हम एक बार बोलेंगे उनको, बेझिझक बोलेंगे, हम कभी इसके पक्षधर नहीं है, हम भारत में बहुत प्रेम और बहुत ही अहिंसा पूर्वक जीवन के पक्षधर हैं, इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। इतने अहिंसा के पक्षधर हैं आप, आपने खुद एक बार कहा कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार, माला और भाला रखो, ये तो हमारी देवी देवताओं के भी हाथ में, प्रत्येक भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में मुगदर है, त्रिशूल है, उनसे भी लोगों को आपत्ति होगी जिन्हें दिक्कत है। हम सुरक्षा करना, भारतीय संविधान में भी हथियार देने का लाइसेंस दिया जाता है, उसको बंद करवाया जाए।
जो हथियार देने का लाइसेंस है वो आत्मरक्षा की, आत्मरक्षा के लिए। तो हम भी आत्मरक्षा के लिए भाला रखवा रहे हैं, हमारी क्षमता नहीं ना बंदूक लेने की, साहब गरीब आदमी है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए टैक्सपेयर क्यों पैसा दे, जनता क्यों पैसा दे? आप इस तरह की बातें करेंगे, भाला की बात करेंगे, बंदूक की बात करेंगे, गोली की बात करेंगे, तो धमकी मिलेगी। हाँ मिलेगी, लेकिन हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, हमने भाला और माला की बात की। और रही बात सुरक्षा की, तो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, और हमें अपने इष्ट और भारत भारत की सरकार पर भरोसा है, वर्तमान सरकार पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, एक तो हमारा पहला भरोसा ही है, हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी है, और हमारा ये धमकी नहीं है। और बार बार मरना नहीं, एक बार बचना नहीं, तो डरना किस बात का? तो जब तक जिएंगे, प्राण अगर जाते हो चले जाए, पर सनातन की चर्चा, घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे, वो 50 उपाय कोई करेंगे। कोई ना कोई डर तो है। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूं, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है, पूर्ण अहिंसात्मक। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? वाह, ये कुआं खोदने के भी तो काम आता है। तो हमने कहा कि अगर राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो, और अगर किसी को अपनी शरीर की दिक्कत है या किसी को अपने पंथ को दिक्कत है, वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है? हम कोई रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना रुपया नहीं आया कि हम बुलडोजर लें, और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम रख लें। देखिए, ये डायलॉग मारना अच्छा है, डायलॉग नहीं, लोगों को मजा भी आता है, गुरु की परंपरा के अनुसार हम सिर्फ एक बात बताते हैं। लोगों को डायलॉग लगता है। कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, भगवान राम के टाइम पर बुलडोजर आते थे, भगवान राम धनुष बाण लिए थे। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का। क्या करेंगे, क्या करेंगे बुलडोजर का? आत्मरक्षा, घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है भाई। बंदूक जो इनके पास होती, सिपाहियों के पास चलाते थोड़ी है अनेक बार, वो तो दिखाने के लिए होती है कि आप कुछ कर। आप जो बातें कह रहे हैं ना कि सिपाहियों के पास भी बंदूक होती है, जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनके पास बंदूक होती है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? ऐसी बातें जानते हैं मैं किससे सुनी थी, बहुत साल पहले, भिंडरन वाले से। ये कौन है? भिंडरन वाले पंजाब में जो आतंकवाद फैला था उसके सिंबल थे। नहीं, हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, बुलडोजर की। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने बुलडोजर रखी थी? मैं आपको बताता हूँ, उनसे मैंने, देखिए ये मजाक की बात नहीं है, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि उनकी आपत्ति क्या थी कि जो हिंदू हैं वो यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं और सिख लोगों को कृपाण लेकर जाने की इजाजत क्यों नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा यज्ञोपवीत से क्या नुकसान किसी को हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी गला घोट के मारा जा सकता है। मैंने कहा आप तो बंदूक की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि सिपाहियों के हाथ में भी तो बंदूक होती है, वो भी आत्मरक्षा के लिए। तो ऐसी बातें जो लोग गुरु परंपरा के लोग हों उनको नहीं कहनी चाहिए। आपकी दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सब कुछ जरूरी है, वर्तमान समय में आवश्यक है। और बुलडोजर की बात अगर कहें तो बुलडोजर का पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, और किसी व्यक्ति से अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो उसका निज मत है, हमारा मत बंदूक की तरफ। सनातन धर्म का मत क्या? सनातन धर्म का मत है सनातन सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप। मारकाट की बात तो नहीं करता। वीरता भी है, ये वीरता का प्रतीक है बुलडोजर। बुलडोजर चाय भी मंगवा दो साहब। अच्छा, हम चाय पियेंगे, हम चाय पीना चाहते हैं। हाँ, तो पानी और चाय दोनों भेजा जाए। जी, वैसे तो संतों को चाय पसंद नहीं आती है ना, लेकिन आपके बारे में जितना मैं रिसर्च की हूँ मुझे पता चला है आपको चाय बहुत पसंद है। क्या ये सही है? जी बहन, बहुत सही बात है। कौन सी चाय पसंद करते हैं? अदरक वाली चाय, और हमारे दादा गुरुजी को बहुत प्रिय है। इस चाय से हमारी याद जुड़ी हुई है, दादा गुरु से। हम दो भाई है वैसे तो, पर ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं। और हम जब दादा गुरुजी के पास जाते थे तो सब ऐसे ही बैठते थे, तो दादा गुरुजी बहुत सिद्ध महापुरुष, बहुत कम बोलते थे, महापुरुष थे। तो वो चाय पीते थे, तो अपनी जूठी चाय
खोब ये जो नरेली है इसकी आधी चाय हमको देते थे। तो हमारे जीवन में हमें ये लगा कि ये नालायक से बोलने लायक गुरु के इस प्रसाद के कारण बना है। और प्रत्येक इसके पीछे एक और रहस्य है, प्रत्येक बालक को अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाए। शायद ये भी सूत्र है, शुरुआत जहां से हुई, गुरु से शुरू जिसका जीवन हुआ, उसे कुछ भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम भूले नहीं, ये शायद हमें लगता कि हमारी अच्छी आदत है, चाहे बुरी आदत क्षमा कीजिए। युवाओं से प्रार्थना है मत पीना, हम नहीं रुकेंगे। और हमारे दादा गुरु ने तो श्लोक भी बनाया है, कहो तो सुनाऊं। चाय पर श्लोक, चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा, एक बार सुन। केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रतम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। और केवल इतना ही नहीं, चाय और चाह दोनों जिंदगी में बहन जरूरी है। चाय हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता कि चाय से गुरु की याद आती है, और जिससे ईश्वर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है। और चाह परमात्मा को पाने की चाह भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ईश्वर को पाने की चाह होती वो आदमी भी नंबर एक का होता। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही। चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे हनुमान जी तो फिर क्या चाहिए। अब आप ये मत कहना कि ये डायलॉग बाजी है क्योंकि हम आपकी आपकी अदालत में ये कह दें, हमारा कोई भी बयान डायलॉग नहीं है, हमारा प्रत्येक बयान हमारे युवाओं को और भारत को जगाने का है। मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं। शायद ये जो चाय आप इस पीते हैं इससे एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, शक्ति मिलती है? लगभग गुरु की याद आती है। और देखो चाय पीना, देखो सच बात यह है कि चाय पीना ठीक नहीं है, चाय हानिकारक है, भूख मारती है, लेकिन हम 24 घंटे में 18 घंटे सेवा करते हैं, लगभग 17 घंटे गद्दी पे बैठते बोलते हैं, भूख लगेगी तो नींद आएगी। नींद को मारने का एक बहुत अच्छा उपाय है, चाय पी लेंगे भूख कम, तो हम ज़्यादा समाज सेवा कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है। पर डॉक्टरी भाषा में ये ठीक नहीं है। ये सिर्फ समाज सेवा के काम आती है, या फिर जैसे शाहरुख खान की फिल्म पठान को आपने क्रिटिसाइज किया, वो भी चाय का असर था? चाय कोई नशा नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें तो हमने सिर्फ सनातन की बात की कि हमारे सनातन पर भगवा रंग ही बेशरम क्यों बार बार। एक फिल्म 1987 के लगभग आई थी, संतोषी माता की फिल्म। संतोषी माता की फिल्म आने के बाद लोगों की भावना इतनी दृढ़ होगी कि शुक्रवार को टमाटर और नींबू बिकना कम हो गए। और अगर आप सनातन के खिलाफ, आपको याद होगा, और अगर सनातन के खिलाफ कोई मूवी बनाओ तो मंदिरों में भगवान के चरणों में और माता पिता और गुरु के प्रति आस्था लोगों की कम हो जाएगी। इसलिए बार बार हमारी संस्कृति, हमारे सनातन और हमारे भगवान राम को टारगेट ना किया जाए। बिना देखे आपने फैसला कर लिया कि वो भगवान राम को टारगेट किया गया है, सनातन को टारगेट किया गया है। भगवा रंग तो देखने की जरूरत ही नहीं है, खून ही भगवा है। रंग से किसी धर्म को जोड़ना ये तो ठीक नहीं। ये देश तिरंगे का देश है और तिरंगे में तीनों रंग हैं। बिल्कुल है, और सब रंगों का सम्मान करना चाहिए। तो है तो हमने कभी, अच्छा तो भगवा रंग हरा रंग भी तो बेशरम हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता ना। हाँ, बस यही हमारी मांग है। देखिए ये जो ये इस तरह की जो मांगे करते हैं ना, उसी पर मुझे आपत्ति है। आप कहते हैं ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, बेझिझक बने।
हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, ये बंद करो। अब कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे आप, ये बंद करो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्द्रता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरित मानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा, भारत विश्व गुरु है। शास्त्री जी, ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है, वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहां आदर कर रहे हैं, वो संविधान कहता है ये धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। संविधान का प्रथम पृष्ठ ही भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। हाँ बिल्कुल, संविधान का प्रथम पृष्ठ, जिस देश का संविधान भगवान राम से प्रारंभ हो, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र राम राज्य नहीं हो सकता है? वही संविधान जो भगवान राम के पृष्ठ से शुरू होता है, वही संविधान कहता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष। हमने ऐसा सुना है, पढ़ा नहीं है, पूछना नहीं, पंथ निरपेक्ष कहा है। धर्म तो सिर्फ सनातन, नहीं धर्म निरपेक्ष। हाँ, तो धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ। देखिए, और जो देश धर्म निरपेक्ष नहीं होते, जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, उसका क्या हाल है ये आप देख रहे हैं? देख रहे हैं। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आतंकवाद चरम सीमा पर है। जब इस्लाम के नाम पर देश बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा, तो ये होगा। बिल्कुल बात सही आपकी, लेकिन हम आपको बता दें, बाकी सब पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनातन है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर घृणा फैलाने की, लोगों को बांटने की गुंजाइश नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ से आदर है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, है, बस घोषणा की जरूरत है। देखिए, आप रंग के नाम पर फिल्मों का विरोध करते हैं, आपने कहा कि ये फिल्म नहीं चलने देंगे। हम सिर्फ सनातन के विरोधियों का विरोध करते हैं, कोई रंग से, कोई व्यक्ति से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं। सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है, वो किसी भी बिरादरी या समुदाय या समाज का, चाहे भले ही क्यों। आपको यह भी समझना होगा, जिस फिल्म का आप इतना विरोध कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि लोग देखने ना जाएं, उसको करोड़ों ने देखा और वो लोग सुपरहिट फिल्म हुई। होनी भी चाहिए, हमने सुना सुधार भी किया है, और सुधार करके कोई करे तो फिल्मों से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो एक कला है और कला के प्रति हमारा सम्मान है। नहीं, लेकिन आप तो बार बार कभी आप आमिर खान की फिल्म का जिक्र करते हैं, कभी क्योंकि वो पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके शंकर जी को बाथरूम में बंद करता है, तो क्या ये सही है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है, उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है, तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे। शास्त्री जी, मुझे कभी कभी लगता है कि चूंकि आपकी उम्र कम है, जैसे आप भिंडरांवाले को नहीं जानते, ऐसे ही फिल्मों का इतिहास भी आप नहीं जानते। एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, उसमें एक भजन था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जो सबसे हिट था। इसे लिखा शकील बदायूनी ने, म्यूजिक दिया नौशाद ने, गाया मोहम्मद रफी ने। हम आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कहें कि हम किसी भी समुदाय के विरोधी नहीं हैं। पुनः हम कहते हैं, हम रहीम को मानने वाले और कबीर का सम्मान करने वाले हैं। हम शेख मुबारक के साथ मित्रता निभाने वाले। ये आपको समझने की जरूरत है, ये मलिक मोहम्मद जायसी और असखान का देश है, जहां पर उन्होंने भगवान का गुणगान किया। हमने कभी विरोध नहीं किया, सम्मान किया, रसखान के पद गाए, रसखान के प्रति हमारा आदर है, और भारत में सामाजिक सौहार्द्रता बनी रही, ये हमारी मांग है, और क्या ये नाजायज मांग है? नहीं, जिन आमिर खान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब लगान फिल्म बनाई, उस फिल्म में जो भजन था वो जावेद अख्तर ने लिखा और रहमान ने उसका म्यूजिक दिया। जी, तो उसके प्रति सम्मान है, हमने सुना नहीं है, अभी तक उस फिल्म को देखा नहीं है, पर उसके प्रति हमारा सम्मान है। उसके प्रति हमारा कोई अगर वीडियो के लिए विरोध का मिले तो दिखाई, मैं भेजूंगा आपको, यही आपकी। नहीं नहीं, हमारा विरोध उस गाने के प्रति नहीं, उस गाने के प्रति नहीं है, बस हमारा तो सिर्फ सनातन की बात है, फंडा सिर्फ सनातन सनातन। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आपको जिसका विरोध करना है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए, आपको न मिले तो मुझसे पूछ लीजिए। बहुत अच्छा है, अब आगे से ये कोशिश करेंगे, लेकिन सनातन के लिए पूछ नहीं पाएंगे हम। सनातन पर उंगली उठाएगा तो इधर से भी डायरेक्ट सीधा सा होगा। ऐसा लगता है कि जैसे आपने
सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोल ली है। अगर किसी को यह धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है और हम मरेंगे भी सनातन। बोलने पर आपत्ति नहीं है, हम धमकी देने पर आपत्ति है। हम धमकी नहीं देते, हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहो, ये भारत राम का देश है, बस हम कायदा सिखाते हैं और गुरु का काम है कायदा सिखाना, धमकी नहीं। गुरु क्या डांट करके धमकी देता है? गुरु धमकी, अगर कुम्हार मटका बनाता है तो भीतर से हाथ भी तो लगाता है, तो हम तो गुरु परंपरा के हैं, तो गुरु के नाते हम समझाते हैं, माय डियर मेरे प्यारे सनातन के लिए मत बोलो। बुंदेली भाषा, ऐसी भाषा बोलेंगे तो अच्छा है। नहीं बोलेंगे पर ठठरी भरे भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यूट्यूब पर मैं देख रहा था, एक वीडियो है आपका, और उस वीडियो को देखने से ये इम्प्रेशन आता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके दरबार में आए, और एक नहीं तीन तीन ऐसे वीडियो हैं। बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल पर अब आपके समर्थकों ने बनाया, मैं आपको दिखा देता हूं, आप बताइए कि वो आपका है क्या। अच्छा। नहीं, बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे पीएम मोदी, तो क्या मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो गए हैं? आए दिन बागेश्वर सरकार के पास नेताओं की भीड़ लगी रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है, जो कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने पहुंचे थे। और कहा जाता है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार से अपनी अर्जी लगवाने आए थे। तो आइए सुनते हैं स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से। मोदी जी को ये प्रोजेक्ट करते हुए जैसे बागेश्वर धाम आए, मेरी जानकारी है कि तीन वीडियोस हैं, उनमें से एक बागेश्वर धाम का है। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से कभी हो ही नहीं सकता है, न ऐसी भूल हो सकती है, क्योंकि हमने कभी ऐसी इजाजत नहीं दी। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, टीआरपी के चक्कर में रोज तो लोग हमारी शादी करवा देते हैं। यूट्यूब पर आपने सिर्फ ये भर देखा, ये भी तो देखिए कि हर बार हमारी लड़की बदल दी जाती है। हैप्पी बर्थडे कहीं ये कह दिया जाता है, एक ने न्यूज डाली थी बागेश्वर सरकार 23 तारीख को प्रणय सूत्र में बनेंगे, संतों के फोन आने लगे, तो ये सिर्फ मीडिया पर। चूंकि बागेश्वर धाम बहुत सर्च हो रहा, और हनुमान जी भला सर्च हो क्यों ना, हनुमान जी तो लोगों की श्वास में, ये पवन पुत्र हैं, तो लोग बागेश्वर धाम बालाजी के नाम से सर्च करते हैं, तो लोगों को जो कुछ यूट्यूब वाले हैं, सब नहीं कुछ यूट्यूब वाले हैं, जो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, जो दुष्प्रचार है। और बागेश्वर धाम ने इस पर अनेक बार कार्रवाई भी की, उनके खिलाफ नोटिस भी भेजा, और अनेक बार डिस्क्लेमर भी बागेश्वर दरबार में हमने दिया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें, धाम का इस प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है, ये खुद की निजता के साथ वो बेफिजूली के कार्य कर रहे हैं, और बागेश्वर धाम इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी करवाएगा। शास्त्री जी, प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की वीडियो बागेश्वर धाम के नाम से जाएं, तो आपको नहीं लगता कि ये भोले भाले लोगों के लिए मिसलीडिंग है, लोग ऐसी बातों पर भरोसा कर लेंगे? धाम से तो हुआ नहीं, कोई कर रहा हो तो खबर नहीं है, पर कर रहा जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, आपके नाम पे कोई कर रहा है तो भी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, आपको कुछ कार्रवाई की है? अनेक बार नोटिस भी भिजवाया है, अनेक बार कितने चैनलों को बंद करवाया है, जो कई बार कोई खान के खिलाफ कर देते थे हमारे लिए, कई बार कोई धमकी डाल दे, बागेश्वर धाम पहुंचे जेल, अब वो ऐसी हथकड़ी हो वो पुलिस अगल बगल लगा देते थे। तो इनसे हमारी आपके सोच से भी प्रार्थना, इसको बहुत देखा जाएगा, आपकी अदालत को जब भी देखा जाए, इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। हम इस प्रकार कोई भी हमारा दरबार या कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है, हमारी कथा और दरबार दर्शन का विषय है। तो आपकी तरफ से मोदी जी के वीडियोस को लेकर के क्या कार्रवाई की गई? इसमें अभी इसकी हमें आज पता लगा है कि मोदी जी का बना है, पूर्व में हमको वो जेलेल वाला बताया था, हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जाते ही तुरंत आपकी अदालत के बाद लीगली कार्रवाई FIR अपने अमुक थाने पर करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, देवेंद्र फडणवीस का है, मनोज तिवारी का है, ये तो आए फर्जी, ये भी फर्जी वीडियो है? अरे नहीं, ये तो आए थे, इनके मत करवा दियो। ना ना ना, ना। देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे, मनोज तिवारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, वो भी आए थे, और बहुत आए हैं, पर मोदी जी नहीं आए हैं।
हाँ ये बता देते हैं तो इन पे FIR जी डिलीट ना करवा दियो, आप रोक दियो। लेकिन आपके एक दो सेंटेंसेस हैं जिसमें आप कुछ मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी आइए। हाँ वो हम लंदन में दरबार में थे, ये शायद उससे अगर ये जोड़ा हो, पूरा तो देखा नहीं, उससे जोड़ा हो तो खबर नहीं, होश नहीं। मोदी जी जहाँ लंदन में रामकथा हम कर रहे थे तो श्री राम मंदिर के, सनातन मंदिर के जो प्रमुख हैं वो एक मोदी जी हैं और वो भी गुजराती हैं, तो वो दरबार में बैठे हुए थे। किसी कारण उनकी व्यवस्था के कारण प्रशंसा के लिए उनका जिक्र आया तो लोगों ने शायद वो कट करके उठाया हो, हमारे स्मरण में ऐसा है। लेकिन ये भी गलत है, ये भी अपराध है, वो भी ऑफिशियली बिना लीगली सहमति लिए बिना आप कोई भी वीडियो शेयर या वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नियम हो है तो ये भी गलत है। मैं आपको बताऊं शास्त्री जी, मैंने 40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। चंद्रा स्वामी को उदाहरण देखा था, वो नरसिम्हा राव के साथ उनकी तस्वीरें, राजीव गांधी के साथ उनकी तस्वीरें, जॉन मैकेंद्रो के साथ तस्वीरें, लिज टेलर के साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग हैं और वो ये तस्वीरें दिखाकर अपनी दुकान चलाते थे और वाकई में जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स थे उनसे उनकी पहचान थी। ब्रुनेई के सुल्तान उनके शिष्य बन गए थे इसी वजह से, अफ्रीकन कंट्रीज के प्रेसिडेंट थे मोबुतू, वो उनके शिष्य बन गए थे। हमारा कभी भी भाव कोई आवे सब सम्माननीय है, हमारा ये भाव नहीं है कि हम आपकी फोटो दिखा करके लोग हमको माने। देखो हम, आप हमारी मीडिया पर प्रचार कर सकते हो पर अगर दम नहीं होगी, सत्यता नहीं होगी तो व्यक्ति एक बार आएगा लौट कर कभी नहीं आएगा, आपको भी गाली देगा हमको भी गाली देगा। तो ये माध्यम हो सकते हैं, साधन हो सकते, साध्य नहीं। तो हमारा ऐसा भाव नहीं क्योंकि हमारे पास जो है वो खुली किताब है ऊपर से नीचे तक, और हम कभी ये नहीं चाहते कि लोग देखें। अब कोई देख रहा तो उनकी दृष्टि और उनकी आंख है, हम तो सिर्फ ये चाहते हमें हमारा परमात्मा हनुमान जी देखें बस। क्या चाहते हैं हनुमान जी से? सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र। फिर भी मांग पूरी नहीं होगी, अगर हिंदू राष्ट्र आप कह देंगे कि बन गया तो हम अखंड भारत मांगेंगे। अगर वाकई में आपको भरोसा है कि बजरंगबली ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, करते हैं हमारी तो कर स्केल रहे हैं। थोड़ा बढ़ाइए ना, उनसे कहिए कि पुतिन को समझाएं कि यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले ले। ये तो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि उससे जो यूक्रेन क्रिश्चियन मुल्क है उनको पता चलेगा कि सनातन धर्म की शक्ति कितनी है। हम अपनी तरफ से प्रतिदिन विश्व में कल्याण हो, विश्व में शांति हो, ये अर्जी लगाते हैं। और हनुमान जी ने रावण को भी समझाया था, मान जा भगवान है, वापिस कर दो जानकी माता को, लेकिन जिसकी आ गई हो तो हनुमान जी की बातें उसे नहीं भाती हैं। गुरु के नाते हमने भी प्रार्थना की, अब किसी की आ गई हम जो बताने, हमारे पास लोग आते महाराज जी हम मर ना जाएं, अब उसको क्या कहें कि जो बता रहा उसे भी मरना है। हद हो गई तो पागलों जैसी बात करते मेरे पागल। लेकिन हम श्रीमान जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें कि अगर आपको लगता है तो आपको अर्जी लगाने एक बार बागेश्वर धाम। ये अर्जियां लगाने का काम तो आपका है, मेरा नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय विषय पर अब टर्की में इतना बड़ा जलजला आया है, इतना बड़ा भूकंप आया है, हजारों लोग मर गए हैं, तो कुछ आपको अर्जी लगानी चाहिए। बिल्कुल, हमने प्रार्थना तुरंत की और हम प्रार्थना करते कि प्रतिदिन जो भी हमारे पास है चूरन चटनी, हम अपने गुरुजी से और बालाजी से प्रार्थना करते विश्व का मंगल हो, सबका भला हो। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्रिश्चियन कंट्री है या इस्लामिक? बिल्कुल भी नहीं, हम तो खुद गए हैं, हम तो पूरी दुनिया का मंगल की कामना, हम उस धर्म से हैं जहां वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, सब में मंगल हो, मंगल भवन मंगल हारी। हम ऐसे नहीं, हम मानवता के हैं, जिसके अंदर दुख है हे बालाजी उसके संकट आप संकट मोचन है, उसके संकट मिट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अच्छी बात आपने कही। आज हमने मुकदमा चलाया बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, हमने उनसे पूछा उनके चमत्कारों के बारे में, उनके प्रवचनों के बारे में, उनके धमकी भरे बयानों के बारे में, उनके स्टंट्स के बारे में और उनको लेकर सोशल मीडिया में चल रहे मिसलीडिंग वीडियोस के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद अग्निहोत्री के फैसले का। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे सभी आरोपों और उनके जवाब सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऋषि और संत परंपरा वाले इस देश में उन्हें भी अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है।
लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड और धोखाधड़ी भी होती है, इसलिए श्री शास्त्री को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अदालत तमाम इल्जामों से श्री धीरेन्द्र शास्त्री को बाइज्जत बरी करते हुए निर्देश देती है कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हें यदि कोई सिद्धि और प्रसिद्धि मिली है तो उसका उपयोग लोक कल्याण और समाज की नैतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें और देश समाज में प्रेम शांति सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायक हों। शास्त्री युवा हैं इसलिए उनमें जोश स्वाभाविक है, परंतु जोश के साथ साथ होश भी अत्यंत आवश्यक है। अदालत अपेक्षा करती है कि उनकी वाणी में संयम करुणा और क्षमा से अभिभूत रहेगी। आशा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के इन्हीं शाश्वत मूल्यों के साथ भारतीय संत परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस विश्वास के साथ कि हमारे जज साहब ने जो हिदायत दी है धीरेन्द्र शास्त्री उसका पालन करेंगे, संभल कर रहेंगे और समाज में किसी भी तरह की भ्रांतियां न फैलें इसका ध्यान रखेंगे। आपकी अदालत का आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।